महेंद्र सिंह धोनी ये महज एक इंसान का नाम नहीं, एक युग की परिभाषा है। ये नाम दो पीढ़ियों को जोड़ने वाली डोर है। ये नाम भारत की धरोहर है। 90s के किट के कानों में धोनी का नाम पड़ते ही गठीले बदन वाले जोशीले गबरू जवान की तस्वीर जहन में उतर आती है, तो दूसरी तरफ 21वीं सदी के क्रिकेट प्रेमियों के लिए वो बर्फ से ज्यादा ठंडा और शेर से अधिक धैर्यवान है। धोनी ने भारतीय क्रिकेट को विश्व कप से लेकर टेस्ट में नंबर वन रैंकिंग हासिल करने में धुरी का काम किया। धोनी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आंकड़ों के आसमान पर राजा की तरह विराजमान है, तो हर एक भारतीयों के दिलों में थला बनकर काबिज है। धोनी की जिंदगी में 7 अंक का अपना ही महत्व है। जन्मदिन 7वें महीने की 7वीं तारीख को आता है। जन्मतिथि 7/7/1981 को जोड़ने पर योग भी साथ ही आएगा। अपने करियर में ज्यादा वक्त 7 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए गुजारा, और तो और धोनी का जर्सी नंबर भी 7 है। धोनी और 7 के इसी रिश्ते को बरकरार रखते हुए नारद टीवी आपके लिए लाया है धोनी के रनों भरे समुन्द्र में से 7 नायाब मोती, यानी वनडे और टेस्ट में खेली गई वो 7 बेहतरीन और यादगार पारियां, जिनके निशान भारतीय क्रिकेट के पर्वत पर सदा के लिए छप गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। जब घायल धोनी ने अकेले दम पर मैच जिताया। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के जीत के बाद भारत एक दिवसीय त्रिकोणीय सीरीज खेलने वेस्टइंडीज गया। यह वह श्रृंखला थी जिसने विराट कोहली को एक कप्तान के रूप में पहचान दिलाई। फाइनल में श्रीलंका टीम के 201 रन के जवाब में एक समय भारत का स्कोर 182 रन पर 9 विकेट था। क्रीज पर चोट से लौटे धोनी और ईशांत शर्मा मौजूद थे। इस पारी के दौरान धोनी तकलीफ में थे। एक मौके पर धोनी रन लेते हुए विकेटों की सीध में भाग रहे थे। जयवर्धने का वो थ्रो उनसे टकराया और ऑफ ट्रैकिंग द फील्ड की अपील हुई, जो कि अंपायर ने नकार दी। परिणाम स्वरूप मैच अंतिम ओवर में गया। जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 15 रनों की दरकार थी। सामान्यता ऐसी परिस्थितियों में बल्लेबाज दबाव में होता है, लेकिन धोनी के हाथ में बल्ला हो तो गेंद के ठिकाने पर पड़ने के आसार बढ़ जाते हैं। इरंगा की पहली गेंद मिस होने के बाद धोनी ने अगली 2 गेंदों में 10 रन बनाए और चौथी गेंद पर डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से विजयी छक्का लगाकर सलकौन कप भारत की झोली में डाल दिया। जब जीत और इंग्लैंड के बीच में धोनी खड़े हो गए। 2007 में खेली गई ये पारी धोनी ने अपने स्ट्रोक प्लेयर इमेज के विपरीत खेली थी। इस पारी से पहले धोनी के टेस्ट प्लेयर होने पर सवालिया निशान थे। दौरे के पहले मैच के अंतिम दिनों का खेल चल रहा था। 380 रनों के विशालकाय लक्ष्य के सामने भारत का स्कोर 5 विकेट पर 145 रन था। इंग्लैंड जीत से बस 5 विकेट दूर था। उस वक्त मैदान में मौजूद हर व्यक्ति के मन में सवाल था, मैच लंच से पहले समाप्त होगा या नहीं। फिर लक्ष्मण का साथ निभाने आए धोनी, जिनके सामने स्विंग और रफ्तार के साथ साथ 80 ओवर टिकने की चुनौती थी। धोनी ने 20 ओवर लक्ष्मण के साथ 7वें विकेट की साझेदारी में और 30 ओवर टेल एंडर्स के साथ बिताए। एक विकेट हाथ में था और हार सामने थी, लेकिन किसी ने सच कहा है, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। उस रोज इंद्रदेव लॉर्ड्स में जमकर बरसे और खेल दोबारा शुरू ना हो सका। भारत और हार के बीच बारिश का दामन पकड़कर धोनी क्रीज पर डटे रहे। इस ड्रॉ ने भारत को 21 साल बाद इंग्लैंड की धरती पर 1-0 से पटौदी ट्रॉफी जीतने में अहम योगदान दिया। लॉर्ड्स में धोनी की ये पारी आज भी किसी भारतीय द्वारा खेली गई सर्वश्रेष्ठ जुझारू पारियों में गिनी जाती है। भारत ने मैच हारा, धोनी ने दिल जीता। 2012 में भारतीय टीम पाकिस्तान के विरुद्ध 3 वनडे मैचों की मेजबानी करने जा रहा था। ये 5 साल बाद पाकिस्तान और भारत के बीच एक दिवसीय द्विपक्षीय सीरीज का पहला मैच था। चेन्नई आए दर्शकों को धक्का तब लगा जब मात्र 29 रन पर भारत ने 5 विकेट खो दिए, लेकिन धोनी ने पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने हथियार नहीं डाले। पहले रैना और फिर अश्विन के साथ मिलकर माही भारत को 227-6 के सम्मानित स्कोर तक ले आए। 227 में 113 रन अकेले धोनी ने बनाए थे, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। जवाब में पाकिस्तान ने नासिर जमशेद की शतक की मदद से मैच 6 विकेट से जीत लिया, लेकिन हार के बाद भी मैन ऑफ द मैच अवार्ड धोनी को मिलना इस पारी की अहमियत बताता है। इन 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में धोनी ने रिकॉर्ड 203.00 की औसत से 203 रन बनाए। लंबे बालों वाले लड़के का कमाल।
धोनी की बेहतरीन पारियों के इस सफर में अगला नंबर है उस पारी का जिसने धोनी को पहचान दिलाई। इस पारी से पहले अपने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय करियर की चार पारियों में धोनी ने सिर्फ 22 रन बनाए थे। उन दिनों पाकिस्तान की टीम भारतीय दौरे पर थी। 6 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में भारत 1-0 की बढ़त के साथ विशाखापट्टनम पहुंचा। गांगुली और टीम मैनेजमेंट ने धोनी को वन डाउन भेजने का फैसला किया। फिर जो हुआ वो क्रिकेट की किताबों में सुनहरी स्याही से लिखा है। धोनी ने 148 रनों की पारी में 15 चौके और 4 छक्के लगाए। धोनी की इस पारी की मदद से भारत ने 356 का स्कोर बनाया और 58 रन से मैच जीता। सीरीज के बाद पाकिस्तान टीम के कप्तान इंजमामुल हक ने कहा, धोनी ने जिस अथॉरिटी के साथ बल्लेबाजी की थी उसने हमारी रातों की नींद उड़ा दी थी। धोनी का दिवाली धमाका। ये मैच धोनी के बेबाक अंदाज के लिए याद रखा जाता है। साल 2005 के अक्टूबर माह में श्रीलंका 7 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के लिए भारत आई थी। जयपुर के तीसरे एक दिवसीय मैच में संगकारा के शतक की सहायता से श्रीलंका ने 4 विकेट खोकर 298 रन बनाए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए धोनी। उस रोज ग्राउंड का कोई ऐसा कोना नहीं था जहां धोनी ने शॉट न मारा हो। धोनी ने देखते ही देखते 15 चौके और 10 छक्कों के सहारे 145 गेंदों में नाबाद 183 रन बनाए। भारत ने 47वें ओवर की पहली ही गेंद पर 6 विकेट से मैच जीत लिया। धोनी के बल्ले से निकले नाबाद 183 रन एक दिवसीय इतिहास में विकेट कीपर बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वाधिक निजी स्कोर है। इस मैच के अगले दिन दिवाली थी। धोनी की इस आतिशी पारी का असर ये हुआ कि सभी हिंदी अखबारों ने धोनी का दिवाली धमाका से मिलती जुलती हेडलाइंस लिखी। भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में ये एक दुर्लभ नजारा है। दो हजार 2013 में जब ऑस्ट्रेलिया टीम 4 टेस्ट मैच खेलने भारत आई तो हर भारतीय का सपना था 2012 में ऑस्ट्रेलिया से 4-0 सीरीज हार का बदला लेना। सीरीज का पहला टेस्ट चेन्नई में था, वो चेन्नई जो धोनी का दूसरा घर कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के 380 रनों के जवाब में धोनी ने अकेले ही 224 रन बना डाले। चेन्नई की जिस्म झुलसा देने वाली गर्मी में खेली गई ये 224 रन की पारी अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में विकेट कीपर का 4था सर्वाधिक स्कोर है, जबकि भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक टेस्ट स्कोर है। धोनी के 224 रनों की बदौलत भारत ने मैच 8 विकेट से जीता और फिर सीरीज 4-0 से जीतकर साल 2012 के ऑस्ट्रेलिया दौरे में हुई हार का बदला लिया। इस पारी से जुड़ी एक खास बात यह है कि धोनी ने इकलौता टेस्ट दोहरा शतक 24 फरवरी 2013 को लगाया। ठीक इसी तारीख को 2010 में सचिन ने एक दिवसीय इतिहास का पहला दोहरा शतक लगाया था, जबकि नॉन स्ट्राइक छोर पर धोनी खड़े थे। तो चलिए आपको ले चलते हैं धोनी द्वारा खेली गई बेस्ट पारी की तरफ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में धोनी से उनके द्वारा खेली गई पसंदीदा पारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सवाल नुमा जवाब दिया। 2011 विश्व कप फाइनल में खेली गई पारी तुम्हें कैसी लगती है? धोनी द्वारा 79 गेंदों में बनाए गए नाबाद वो 91 रन सर्वश्रेष्ठ कप्तानी पारियों में शुमार है। वानखेड़े में श्रीलंका के 274 रनों के जवाब में भारत एक समय 114 रन पर 3 विकेट खो चुका था। विश्व कप फाइनल के दबाव में भी धोनी बाहें चढ़ाते हुए सदी हुई चाल से क्रीज की तरफ आ रहे थे, मानो अर्जुन ने मछली की आंख पर ध्यान केंद्रित किया हो। धोनी के आने से पहले जो श्रीलंकाई टीम भारी पड़ रही थी उसको धोनी ने अपने हिसाब से चलाया और फिर कुलसेकरा की गेंद पर छक्का मारकर विश्व कप जीतने वाला शॉट आज भी प्रत्येक भारतीयों की याद में ताजा है। उस शॉट के बारे में सुनील गावस्कर ने कहा, मैं जिंदगी के अंतिम पलों में वो शॉट जरूर देखना चाहूंगा। इसी दुआ के साथ कि महेंद्र सिंह धोनी की जल्द ही मैदान पर वापसी हो, आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए नारद टीवी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपका एक लाइक और एक शेयर जरूर मिले। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस और पुराने वीडियोस देखने को मिलते रहें। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।